राकेश जी, मुझे लगता है मेरी टीम ने आज वीडियो सही नहीं बनाया। कहाँ काम हो रहा है मोदी मैजिक? पूरी बीजेपी कह रही है कि मोदी जी के जादू पर हम लोग आराम से चुनाव जीतेंगे, 400 सीटें आएंगी। हमारी टीम गड़बड़ कर रही है, उन्होंने ऐसा वीडियो सुनवा दिया कि मोदी मैजिक कम हो रहा है। नीतीश जी और सुष्मिता जी से पूछूंगा कि ऐसा वीडियो क्यों बनाया उन्होंने। जब भाजपा कह रही है हम 400 सीटें ले आएंगे, तो कोई आपको शक लग रहा है 2014 और 2024 के मैजिक में राकेश जी कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? देखिए संजय जी, आपकी टीम और सुष्मिता जी के पास देश की धड़कनों को नापने का कोई ना कोई यंत्र है। उन्होंने समाज और देश की नब्ज पर हाथ रखकर ये वीडियो बनाया होगा और इसके कई पैमाने हैं। ये जो स्टेथोस्कोप है, इसे जानने के कई तौर तरीके होते हैं। मैं पहले इस पर आऊंगा, उन तौर तरीकों पर बाद में बात करूंगा। नंबर एक, ये जो मोदी मैजिक है, मोदी नाम का जो तिलिस्म और करिश्मा है, इसको 2014 में इस देश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। मैं स्पष्ट कहता रहा हूं, पहले भी आज फिर कहूंगा, कि 10 साल की यूपीए सरकार की जो भी विफलताएं बताई गई थी, परोसी गई थी, सीएजी वगैरह के द्वारा, निर्भया आंदोलन, अन्ना का आंदोलन, इसलिए उस वक्त जनता ने जो फैसला किया था वो जनता के हिसाब से ठीक फैसला हुआ था। अगर जनता वो फैसला नहीं करती तो शायद गलती करती। लोकतंत्र में दूसरे व्यक्ति को आजमाने का अवसर जनता के हाथ में आता है, जब तो वो आजमाती है। इससे पहले भी कई बार सत्ता परिवर्तन हमारे देश में हुए हैं, लेकिन जो तोमार बांधे गए थे, जो सपने परोसे गए थे, वे पूरे नहीं हुए। इसलिए आपका जो थंबनेल है कि क्या वही मोदी रहेंगे, तो ये तय है कि 2014 छोड़िए, 2019 के भी मोदी नहीं होंगे 2024 में। अब वो जो पैमाने हैं उनकी हम बात करें, तो हालिया एक नमूना हमारे सामने आया, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, आपने भी देखा, दुनिया ने देखा, कि जिन राहुल गांधी को अच्छा वक्ता नहीं माना जाता और जो नरेंद्र मोदी उद्भट वक्ता माने जाते हैं, यद्यपि मैं ब्रैकेट में कहना चाहूंगा वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 4 लाइनें नहीं बोल पाते, तो इसलिए उद्भट वक्ता जो लोग मानते हो उन्हें मुबारक हो। फिर भी ये तय है कि राहुल गांधी और मोदी जी की वक्तृत्व कला में अंतर है। इसके बावजूद राहुल गांधी को सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, जितने औजार हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उनके अब संसद टीवी का प्रसारण, कई गुने का अंतर है संजय जी, दुगने का अंतर है। अगर 6 मिलियन लोगों ने राहुल गांधी को देखा तो नरेंद्र मोदी को 3.4 मिलियन लाइक्स और व्यूज मिले हैं। ये अंतर ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वो भरभरा कर टूटती जा रही है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बिखर गई है। दूसरा पैमाना ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर अपने आलेख में कहता है कि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के नाम पर, ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। और कौन सा प्रमाणीकरण चाहिए जो ये साबित करे कि नरेंद्र मोदी अब 2019 वाले भी नहीं बचे हैं। 14 में निश्चित तौर पर उनकी छवि एक लार्जर देन लाइफ छवि बनाई गई थी, डिजिटल इमेज बनाई गई थी। वे सूरत में मंच पर खड़े होते थे और देश के 200 200 शहरों में नरेंद्र मोदी की भीमकाय छवि उभरती थी मंच पर, डिजिटल लेजर इमेज। वो वाली इमेज, वो लेजर इमेज टूट गई है। वो जो संपर्क सूत्र था जनता और उनके बीच, वो भी अब नहीं रहा है। इसके उलट जनता के भीतर मोह भंग की स्थिति है उनके प्रति, जिसमें कि वो जो आपको मिला था अमेठी में, जिसने पेंट की जिप का उदाहरण आपके सामने दिया, ये पहला उदाहरण महंगाई के को नापने का मैं सुन रहा हूं, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है। और अंतिम बात, नरेंद्र मोदी को एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में परोसा गया था इतने सालों में, लेकिन उनके अपने सामने एक राज्य जल रहा है, मणिपुर। वे पहले दिन 36 सेकंड बोलते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं मणिपुर पर। देश की राजधानी दिल्ली में दंगे होते हैं, राजधानी की नाक के नीचे हरियाणा जल रहा है, नू में दंगे होते हैं, और ये मजबूत प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाता। तो मैं ऐसा मानता हूं 2024 नरेंद्र मोदी एक अपनी टूटी फूटी छवि को समेटते हुए, उसे किसी तरह बांध कर, बेल्डिंग करके, धागों से और रस्सियों से बांध करके चुनाव में उतरेंगे और इसका
नफा नुकसान क्या होगा ये मतदाता तय करेगा। जी सर, जाइए। राकेश जी, प्रोफेसर साहब ने जैसे वो साइकिल वाला धुलाई कर रहा था, आज ऐसी अखिलेश जी ने भी धुलाई कर दी, आपका क्या मानना है? संजय जी, जो देश की आवाज है वो आपने बीप कर दी। यदि वो संसदीय शब्द रहा होगा, वो जो सज्जन आपने जिनकी बात कही और सर ने बिल्कुल ठीक कहा। वो गाली दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर को। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि यद्यपि ये कहना इस मंच पर ये स्वीकार करना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश ने चुना है, इस महादेश के इस लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य के मुखिया हैं, उन्हें अगर कोई व्यक्ति वो शब्द बोल रहा है जो आपको बीप करना पड़ रहा है, तो सोचिए उनके प्रति कितनी अरुचि, कितना असम्मान पैदा हो गया होगा। अखिल सर ने उनके व्यक्तिगत जीवन के तमाम सारे मिथ्या वचन के बारे में बताया कि पांच पांच भाई थे, फिर भी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, लेकिन वे उस वक्त हॉलीवुड के दरवाजे पर तस्वीरें खिंचाते थे, वे एफिल टावर के सामने खड़े थे। सबसे बुरी बात जो अभी दिनेश सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जो संसद में बहस के दौरान मार्च 1966 के मिजोरम ऑपरेशन का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेना से क्या होता है, सेना कुछ नहीं कर सकती। यानी ये जो पार्टी है, ये जो लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दल के मुख्यमंत्री नेता, जो लोग सेना के सम्मान के नाम पर राग अलापा करते थे, आज वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना को गाली दे रहे हैं। वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बघार रहे थे। दिनेश सर को ज्यादा विस्तार से मालूम है, लेकिन संजय जी, आपके इस विमर्श को मैं मौका समझकर आपके दर्शकों के लिए बहुत संक्षेप में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि मिजोरम की जो घटना थी वो उस समय हुई थी जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो चुका था। सच्चाई तो यह, उस वक्त देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी के शपथ लेने और उन शास्त्री जी की मृत्यु के बीच का जो 4 दिन का काल था, उसमें ललडेंगा ने, मिजो नेशनल फ्रंट ने कब्जा कर लिया था आइजोल पर। हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर थे उस पर तिरंगा हटाकर वहां पर अपना मिजो नेशनल फ्रंट का झंडा लहरा दिया था। पाकिस्तान और चीन का समर्थन था, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता के लिए चिट्ठी लिखना शुरू कर दी थी ललडेंगा ने। और उस वक्त ब्रिगेडियर थे रुस्तम जाल कोराब जी, उनको भेजा गया था अगरतला से, लेकिन वे पहुंच नहीं पा रहे थे। आप सोचिए, हमारी सेना वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, रास्ते में इतना विद्रोहियों का कब्जा था। फिर वो लंबा विषय, फिर एयर स्ट्राइक हुआ जनरल मानेकशॉ के उसमें, लेकिन ये जानकारी गर्व का विषय होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री सेना और तत्काल। राकेश जी, बड़ा बढ़िया ये है कि जो जिन जय फाइटर्स ने वहाँ बम बरसाए थे भारत के राज को बचाने के लिए, उसमें से एक पायलट का नाम था राजेश पायलट और दूसरे का नाम था सुरेश कालमाणी, वो दो पायलट थे उस जहाजों। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 4 बम बरसक विमान रवाना हुए थे और उनमें से 2 ये थे। तो कुल मिलाकर जो हमारे देश की अखंडता को बचाने का ऑपरेशन था, ये ठीक बात है कि हवाई हमले में, बम्बार्डिंग में कुछ नागरिक भी मारे गए थे, लेकिन क्या उसकी कीमत पर देश की सीमा और एक सीमावर्ती राज्य को बचाने का प्रयास ऐसा था कि आज इतने सालों बाद, 50-55 सालों बाद, देश का प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री को की आलोचना करने के फेर में हमारी अजय और पराक्रमी सेना को गठघरे में खड़ा करे, उसका अपमान करे? ये वे सारे कारण हैं जिनके कारण नरेंद्र मोदी नाम का तिलिस्म टूट चुका है पूरी तरह। उनके प्रति लोगों में सामान्य जो सम्मान का भाव था वो भी नहीं बचा है। अब उनके जो अंध समर्थक हैं, अंध भक्त हैं, वो एक छोटा सा तबका बचा है और उसकी विवशता है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका था संजय जी कि उसे वापस वापस लौटने में शायद थोड़ी बहुत शर्म आ रही होगी कि हम किस मुंह से वापस लौटना है, किस मुंह से स्वीकार करें कि कल तक हम 500 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदने को तैयार थे और आज टमाटर की कतार में खड़े हुए हैं टमाटर खरीदने के लिए। जी संजय जी।